हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी के 5 मिनट का चार्ट है। तो यहाँ पे जो है आप देखिए, तो जो पहली ग्रीन कैंडल बनी है वो काफ़ी बड़ी बनी है, और उसके बाद जो है मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा जो है हमें एक रेंज में दिख रहा है। देखते हैं, वेट करते हैं क्या होता है। ट्रेड जो है वो हमने यहाँ पे अभी ले ली है। रीज़न भी बताने वाली हूँ मैंने कि मैंने जो है क्या सोच के अपनी ट्रेड ली है। बने रहिएगा हमारे साथ। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना, कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं। तो फिलहाल आपको जो है यहाँ पे कैंडल का मोमेंटम देखे तो कुछ खास जो है हमें इस मोमेंटम नहीं देखने को मिल रहा है, पर फिर भी देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 जो है मैंने क्वांटिटीज ली हुई है यहाँ पे, और डाउन साइड का ही व्यू रहने वाला है हमारा। यहाँ पे आप 1 मिनट में देखें तो हमें जो है ट्रेंड लाइन बनती हुई दिख रही थी, और उसका ब्रेकआउट भी आ गया था। क्योंकि ये 1 मिनट है तो उसी के हिसाब से ही जो है हम हमारे प्रॉफिट भी बुक करेंगे। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप कौन से टाइम फ्रेम के हिसाब से अपने जो ट्रेड लेते हैं उसी टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको अपने प्रॉफिट्स जो हैं वो भी बुक कर लेने चाहिए हैं। तो देखते हैं कि क्या होता है, ये वापस से पलटता है कि क्या हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो प्रॉफिट है वो बढ़ के हो चुका है 500 से 800 रुपये। अभी भी जो है मैंने अपनी ट्रेड को होल्ड किया हुआ है। स्टॉप लॉस जो है वो हमने लगा दिया है। तो देखते हैं क्या होता है, चलते हैं चार्ट पे। चार्ट पे आप देख सकते हैं इसने जो है ये रेंज तोड़ दी है, जिसमें जो है अगर ये क्लोजिंग देता है तो हमारे पास और भी अच्छी जो है कंफर्मेशन हो जाएगी कि मार्केट जो है वो थोड़ा सा रेंज में था, और फिर उसने उसको ब्रेक किया, तब हमने यहाँ पर हमारी डाउन साइड की ट्रेड ली। तो काफ़ी अच्छे जो है हमारे पास कन्फर्मेशंस हो जाएंगे, प्राइस एक्शन बेस पे भी हो जाएंगे। तो देखते हैं क्या होता है, होल्ड करने वाली हूँ मैं अपनी ट्रेड को। स्टॉप लॉस जो है वो भी ज़्यादा बड़ा नहीं है हमारा, छोटा ही स्टॉप लॉस रहने वाला है हमारा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉस्ट पे ही जो है हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो यहाँ पे जो है 15 मिनट का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है आप लोगों के लिए। चल लेते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे और देख लेते हैं क्या चल रहा है। 5 मिनट के चार्ट पे अगर आप देखें तो ऊपर से काफ़ी अच्छी जो है ट्रेंड लाइन बनती हुई आ रही है। मार्केट जो है वो इस ट्रेंड लाइन को काफ़ी अच्छे से फॉलो कर रहा है। तो चलते हैं काइट पे और देखते हैं क्या चल रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने जो है अपसाइड का ही मेरा व्यू है अभी यहाँ पे। क्यों है, ट्रेंड लाइन मैंने आपको दिखा दी है कि मार्केट उसे ब्रेक करके ऊपर जा सकता है। प्लस आप यहाँ पे देखें तो मैंने जो है 50 क्वांटिटी में अपनी ट्रेड को लिया हुआ है। मार्केट जो है काफ़ी अच्छे से जो है लगातार ग्रीन पे ग्रीन कैंडल्स बना रहा है 5 मिनट के हिसाब से। इसे ब्रेक करता है तो भी हमारे पास बहुत ही अच्छा जो है यहाँ पे कंफर्मेशन हो जाएगा। आप देखिए, ब्रेक के साथ साथ इसे जो है ऊपर क्लोजिंग भी देना ज़रूरी है। प्रॉफिट हमारा बढ़ के हो चुका है 600 रुपये, तो अब भी जो है हम एक अच्छे प्रॉफिट में हैं, लेकिन ट्रेड को एग्जिट नहीं करूँगी मैं। देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या रीज़न है, क्या है, वो चीज़ें भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। फिलहाल अगर आप देखें तो हमारा जो प्रॉफिट है वो 1200 के करीब हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कहाँ ट्रेड ली थी, कहाँ मेरा स्टॉप लॉस है, कहाँ क्या है, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हुई हैं। ये आप देखें तो मार्केट जो है वो इस रेंज में आ चुका है, जिसे वो ब्रेक भी कर चुका था, जो मैंने आपको अपनी ट्रेंड लाइन दिखाई थी। तो उसी वजह से यहाँ पर अगर आप देखें तो जो हमने स्टॉप लॉस है वो भी लगा रखा है। तो अब देखते हैं क्या होता है। फिलहाल अगर आप ध्यान दें तो हमारा प्रॉफिट जो है वो 500 के लगभग हो चुका है, और अभी आप देखें तो मार्केट जो है उसी रेंज में चल रहा है। अभी तक इसने जो है रेंज ब्रेक नहीं की है। अगर मार्केट रेंज ब्रेक करेगा तो फिर काफ़ी अच्छी जो है हमें यहाँ पे मूव देखने को मिल सकती है। मैं वेट यही कर रही हूँ कि काफ़ी बार जो है मार्केट इस रेंज को टच कर चुका है, तो और जैसे जैसे जो है मार्केट इस रेंज को टच कर रहा है वैसे वैसे ये रेंज जो है वो वीक होती जा रही है। तो इसीलिए चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं कि मार्केट जो है अब इसको ब्रेक कर सकता है। तो मैंने जो है अपनी ट्रेड, जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले ही ले ली थी ट्रेंड लाइन के हिसाब से। ट्रेंड लाइन को इसने फॉलो नहीं किया और फिर अब जो है ये एक रेंज में आ चुका है। देखते हैं क्या होता है, अभी भी जो है ट्रेड में बने हुए हैं हम यहाँ पे।
तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो हिट हो चुका है। आज जो है इसके अलावा मैं और भी कोई ट्रेड नहीं लेने वाली हूँ, क्योंकि आज जो है मार्केट आज पूरे दिन जो है साइडवेज ही रहने वाला है। इसी जो है हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था, तो इसके बाद मैंने और कोई ट्रेड नहीं ली है, और मैं आपको बता दूँ और ट्रेड नहीं लेने वाली हूँ। तो यहाँ पे आप अगर देखें तो मार्केट ने जो है आज पूरा ही सिर्फ 250 पॉइंट की ही मूव दिखाई है। आज पूरा दिन जो है मार्केट सिर्फ साइडवेज ही है, एक रेंज में ही है। यहाँ पे अगर आप देखें तो मार्केट जो है वो इस रेंज को ब्रेक नहीं कर रहा था। ब्रेक करने के बाद भी जो है सेकंड रेजिस्टेंस आ चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से जो है मार्केट इस रेजिस्टेंस को फॉलो कर रहा था। उसके बाद अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पे ट्रायंगल भी बनाया हुआ है, यहीं से ही सपोर्ट लेके मार्केट फिर से ऊपर चला गया, और जो इसने पहले हाई लगाया था वहीं तक ही गया और फिर नीचे आ गया। तो यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट में देखिए हमें जो है यहाँ पे एक ट्रायंगल दिख रहा है, जहाँ पे जो है मार्केट पहले भी जो है रेजिस्टेंस ले चुका है और आज फिर से वहीं से ही लिया है। तो चांसेस तो बिल्कुल भी नहीं थे कि मार्केट जो है वो ऊपर जाए। और नीचे तो आप देख ही सकते हैं काफ़ी अच्छे से जो है पहले सिर्फ हाई नहीं है, यहाँ पे अगर मैं आपको ईएमए लगा के दिखाऊं तो ईएमए भी है, प्लस यहाँ पे आप देख सकते हैं जो है एक साइकोलॉजिकल लेवल 33,500 का, वो भी बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट लेवल है। ईएमए आप देख सकते हैं 5 मिनट के हिसाब से इसमें जो है 200 ईएमए भी काफ़ी अच्छे से इसने वर्क किया है। काफ़ी पिछले 2 दिनों से ईएमएस जो हैं वो काफ़ी अच्छे से मार्केट में वर्क भी कर रहे हैं। तो ये तो हो गया रीज़न कि मार्केट आज क्यों साइडवेज है। ये आप देख सकते हैं, ये मेरा टेलीग्राम का प्रीमियम चैनल है, सारी चीज़ें जो मैंने ट्रेड्स ली हैं आप लोगों को अपडेट की गई हैं टाइम टू टाइम। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने पॉइंट्स का एसएल होने वाला है, कहाँ मैंने एग्जिट किया, कहाँ आप कर सकते हैं, सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। तो यहाँ पे जुड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, डिसीशन बॉक्स में जो है आपको व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप हमें जो है वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, सारी डिटेल्स जो है आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।